Hi guys, welcome or welcome back to my channel. In this video, we are going to DIY a budget-friendly living room if you don't have a sofa. This is a part 2 of the last video which I posted on my channel. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. Please go and watch that video. उस वीडियो में मैंने एक टिप शेयर किया है जो हम सबके लिए बहुत यूजफुल है. सो दिस इज द लिविंग रूम जिसका मुझे मेकओवर करना है. लेट्स स्टार्ट विद प्लेसिंग द मैट ऑन द फ्लोर. दिस इज अ नॉर्मल मैट. ये मैंने कुछ 200 रुपीज में एक लोकल स्टोर से लिया था. नाउ इट्स टाइम टू प्लेस अ नॉर्मल मैट्रेस ऑन द फ्लोर. ये एक सिंपल रुई का गद्दा है जिसे मैंने लोकल स्टोर से 500 रुपीज में लिया था. By using this simple cotton mattress, I want to create a sofa on the floor. अगर मैं cotton का mattress use कर रही हूँ तो मैं easily इसको दीवार के against खड़ा कर सकती हूँ जिससे कि एक sofa जैसा look आएगा. To create this budget friendly sofa, all you have to do is put half of the mattress on the floor and half of the mattress against the wall, जिससे कि आपको back support मिलेगा जब आप इसके ऊपर बैठेंगे तो. मेरे लिविंग रूम में जितने भी फर्नीचर हैं वो सारे ब्राउन कलर के हैं. आई वॉन्ट टू मेनटेन द थीम, इसलिए मैं एक ब्राउन कलर का बेडशीट यूज़ कर रही हूँ इस फ्लोर सोफ़ा को क्रिएट करने के लिए. टाइम टू एड इन सम पॉप ऑफ कलर. सो आई हैव थ्रोड इन लॉट ऑफ कलरफुल कुशंस ऑन दिस सोफ़ा. मैंने यहाँ पे इस रनर का यूज़ किया है. दिस इज मेकिंग दिस एरिया लुक वेरी ब्राइट एंड ब्यूटिफुल. इन द कॉर्नर आई हैव एडेड अ इंडोर प्लांट. दिस इज एरिका पाम. इस पॉट को थोड़ा और एलिगेंट लुक देने के लिए मैंने वाइट कलर के डेकोरेटिव पेबल्स का यूज़ किया है. I'm going to place a table here. This is a DIY table जो मैंने अपने बेडरूम मेकओवर वीडियो में बनाया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, you can go and check the link in the description box below. To give this space a little tropical vibe, I'm adding this photo frame here. Let's start decorating this table. आप अपने पसंद से कोई भी डेकोरेटिव एलिमेंट ऐड कर सकते हैं. I love reading books, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स रखा है. This is a cute little pot hand painted by me. मुझे बस लगा कि ये यहाँ की कलर थीम के साथ बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसे प्लेस कर रही हूँ. I'm adding few more decorative pieces here. This is a candle holder. I'm already loving this corner. I have one tip guys, आप जितना चाहे उतना plants add कर सकते हैं जिससे कि बहुत ही refreshing look आएगा. I'm going to use this area a lot to sit and read the books. इसलिए मैंने बुक्स को सोफे पे रखा है. अगर आप चाहें तो उसे टेबल पे या सोफे पे कहीं भी रख सकते हैं. अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इस टाइप का सेटअप आप विद इन 3 to 5,000 रुपीज में ईजिली क्रिएट कर सकते हैं. इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस टाइप का प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं या किस टाइप का डेकोरेटिव एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं.
यहाँ पे मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, यू कैन गो एंड चेक द प्राइजेस देयर। We have already started using this space a lot. If you are staying in a rental apartment, or if you keep on shifting your cities because of some reason, और अगर आप सोफे पे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो आप इस तरह का फ्लोर सोफ़ा और फ्लोर सीटिंग एरिया क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम बजट में। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। If you have any questions related to price or any product, then please let me know in the comment section. मैं Instagram पे भी बहुत सारी stories और posts डालती रहती हूँ, तो आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। My handle is home on tube. तो मिलते हैं guys next video में। Please make sure to subscribe to my channel. तब तक के लिए be home and be safe.